हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ वो है ब्रेकिंग न्यूज़ ऑक्सीजन प्लांट प्रोजेक्ट। कल के दिन पे हमने लाइव मार्केट में ये न्यूज़ आते हुए देखा था कि गवर्नमेंट एक नए ऑक्सीजन प्लांट का प्रोजेक्ट प्लान कर रही है। वो इमीडिएटली कह सकते हैं विद इन 2-3 वीक्स में ये इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा और ये जो उसका जो सप्लाई है विद इन 1 मंथ चालू होगा एज़ पर द न्यूज़ एज पर द सोर्सेज। और ये जो न्यूज़ के चलते हुए कल ही हमने स्टॉक में रैली आते हुए देखा था, लेकिन एंड ऑफ द डे जब मार्केट में कह सकते हैं गिरावट, मार्केट 400 पॉइंट के साथ कल प्लस बंद हुई थी, उसके बावजूद इस स्टॉक में हमने कह सकते हैं लेवल टू लेवल बंद हुआ था ये स्टॉक। इसमें जो तेज़ी आई थी ड्यूरिंग द मार्केट आज वो एंड ऑफ द डे में ख़त्म हो गई वो तेज़ी, और आज के दिन पर भी डिसेंट मूव के साथ ये स्टॉक चल रहा है। इस वीडियो को बनाने का मेन जो कारण है वो है ये जो जिस इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म गेन चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म इमीडिएट प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है, उसके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो मैंने बनाया और ये स्टॉक मैं उसके लिए रेकमेंड करूँगा। अब तक मेरे चैनल पे कभी भी मैंने ये स्टॉक को रेकमेंड नहीं किया है, पहली बार रेकमेंड कर रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिए, डेट फ्री स्टॉक है, इसके 7 पैरामीटर्स फंडामेंटल्स के फुलफिल हो रहे हैं, उसके बावजूद जो इसका रिटर्न है वो काफ़ी डिफेंसिव है, काफ़ी स्लो चलता है, L&T की तरह या कोल इंडिया की तरह या कह सकते हैं डाबर की तरह एकदम स्लो चलने वाला स्टॉक है। तो उसका जो ओवरऑल अगर रिटर्न देखेंगे एंड ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ 3 इयर्स 5 इयर्स तो कह सकते हैं अराउंड 50-60% का रिटर्न है एट द एंड ऑफ द ईयर, और अगर 5 साल का इसका रिटर्न देखें तो करीबन 114% के आसपास है। तो इतना अट्रैक्टिव रिटर्न सही है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप जो अलग स्टॉक से इस कैटेगरी में। लेकिन उसके बावजूद मेरा जो मेन कारण है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, जिन इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म गेन पसंद है, वो इन्वेस्टर्स इस करंट डोमिनेशन न्यूज़ के चलते हुए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें और आने वाले समय में अच्छा से प्रॉफिट करके बाहर निकल ले, प्रॉफिट बुकिंग करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ छोटी लर्निंग्स मिले और वीकली ऐसे 7 से 8 बड़े वीडियोज़ मिले जिससे आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों बेहतर हो सके। वीडियो की शुरुआत में आज एक मार्केट का ओवरव्यू देना चाहूँगा। जब मार्केट की शुरुआत हुई थी आज के दिन पे करीबन 200 पॉइंट सेंसेक्स डाउन खुला था और उसके बाद एक करीबन 400 पॉइंट की रिकवरी आई, 400 पॉइंट सेंसेक्स प्लस में आ चुका है, प्लस में आया था करीबन 12:30-1 बजे के आसपास, और इस समय जो क्लोजिंग दिया है अगेन सेंसेक्स ने वो 200 पॉइंट डाउन दिया है और निफ्टी ने करीबन 14,330 के आसपास क्लोजिंग दिया है। कह सकते हैं सपोर्ट पे जो मेन सपोर्ट है निफ्टी का नीचे की तरफ आने के लिए वो है 14,250, स्पेशली फॉर ट्रेडर्स नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। और अगर ऊपर की साइड जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था, जब तक 14,850 या 14,900 का स्पेसिफिक वो विंडो नहीं ब्रेक करता है निफ्टी, तब तक अपसाइड मोमेंटम रेंज बाउंड रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन हूँ, सिंस 2007 एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, SIP मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है काफ़ी सारे हमारे कंपनी के, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में एक ओवरव्यू ले लेते हैं वीडियो का। इन दिस वीडियो वी विल सी इनसाइट्स ऑन वन सिंगल स्टॉक। दिस स्टॉक हैज़ बीन वेरी अनपॉपुलर अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। 10 में से 8 इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आपको नहीं दिखेगा, 1 या 2 इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक दिखेगा। जो इन्वेस्टर्स डिफेंसिव है, जिनको कैपिटल सिक्योरिटी ज़्यादा पसंद है और जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे कम रिटर्न मिले ठीक है लेकिन मुझे कैपिटल सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, वैसे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आपको ये स्टॉक मिलेगा। एज़ वी ऑल नो दैट द प्रेजेंट मेजर नीड इन इंडिया इज़ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के लिए जो मेजर क्राइसिस इंडिया में हो रहा है वो करंट डोमिनेशन हम कह सकते हैं। गेस्टेड इन द मार्केट आज गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट दे विल गिव अ मेगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑक्सीजन प्लांट। एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट देगी गवर्नमेंट, जैसे अभी सीरम इंस्टीट्यूट को करीब 3,000 करोड़ के आसपास चाहिए था फॉर प्रोडक्शन राइज इन वैक्सीन। इमीडिएटली गवर्नमेंट ने 4,500 करोड़ रुपया दे दिया सीरम इंस्टीट्यूट को कि आप प्रोडक्शन डबल कर दीजिए अपने वैक्सीन का। उसी तरीके से ऑक्सीजन का जो क्राइसिस आ रहा है वो गवर्नमेंट उसके लिए भी एक बड़ा पैकेज देने के लिए, बड़ा मेगा कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है, और उसमें 4 से 5 कंपनीज के नाम आ रहे हैं आगे, लेकिन जो पहला नाम आ रहा है वो इस कंपनी का, और चांसेस शायद 99.9% इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने का है। देर आर मैनी कंपनीज विच आर इन द रेस ऑफ गेटिंग दिस ऑर्डर। दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज लीडिंग द रेस टू गेट दिस मेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये जो स्टॉक है वो कल के दिन ही हमने देखा था रैली में आ चुका था ये स्टॉक, और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे से रैली में आएगा ड्यू टू दिस मेगा कॉन्ट्रैक्ट। बट दिस रिकमेंडेशन इज ओनली ड्यू टू मेगा कॉन्ट्रैक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, मैं आज भी वापस रिपीट कर रहा हूँ अभी भी, कि मैंने ये जो वीडियो बनाया उसका मेन कारण सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन का है, लॉन्ग टर्म गेन का नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में है
डेफरी कंपनी है, 7 पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे फंडामेंटल्स के, उसके बावजूद इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूँ। तो चलिए सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं। कंपनी का जो इंडस्ट्री है वो कैपिटल गुड्स है। कंपनी काफ़ी सारे मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व है इस समय और एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो करीबन 64,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का पी रेशियो देखें तो करीबन 80 के आसपास है और अगर इंडस्ट्री का पी देखें तो इस समय करीबन एज पर ये शायद कोई टेक्निकल एरर आया है यहाँ पे। नेट सेल्स की बात करें तो कंपनी ने जो रिसेंट नेट सेल्स दिए थे वो दिसंबर 2020 के आसपास जो थे वो था 2900 करोड़ के आसपास नेट सेल्स था इनका, और नेट प्रॉफिट देखे तो करीबन 295 सीआर का नेट प्रॉफिट था, यानी रेवेन्यू भी बढ़ा था साथ ही में नेट प्रॉफिट भी बढ़ा था। तो एज़ पर कंपनी प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है इस समय ये। रिटर्न्स प्रोफाइल, अब ये मेन चीज़ है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो रिटर्न प्रोफाइल इसका एक वीक में अगर हम देखें तो करीबन -1% के आसपास है, एक मंथ -2.3% रिटर्न दिया है, 1 जनवरी 2021 से देखें तो करीबन 14% का रिटर्न दिया है, एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो करीबन 58% का रिटर्न दिया है, 3 साल की बात करें तो 67%, 5 साल की बात करें तो 53% और 10 साल की बात करें तो 114%। तो 10 साल जब तक कोई इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करता है तब जाके उसको 100% रिटर्न मिलता है। तो काफ़ी कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लार्ज स्टॉक्स ये जो कंपनी ने काफ़ी कह सकते हैं डिफेंसिव रिटर्न दिया है, डिसेंट रिटर्न है, डिफेंसिव रिटर्न है, लेकिन कह सकते एक्सपोनेंशियल रिटर्न नहीं है या फिर एक कह सकते ट्रेमेंडस रिटर्न नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। लेकिन जैसे मैंने कहा जिन इन्वेस्टर्स जो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स है जो एज ग्रुप 50 के ऊपर आ रहे हैं वो इन्वेस्टर्स उस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो करीबन 75% कॉन्स्टेंट रहा है फ्रॉम मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 तक, एक साल तक एज पर सेबी रूल 75-25 के हिसाब से 75% कॉन्स्टेंट रहा है, गिरवी एक भी शेयर्स नहीं है, आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। FIS होल्डिंग की बात करें तो FIS का मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 तक करीबन 4.3% के आसपास कॉन्स्टेंट होल्डिंग रहा है। उसके बाद अगर बात करें DIS होल्डिंग की बात करें तो 10.22% से लेके 10.59%, तो DIS ने भी अपना होल्डिंग कांस्टेंट रखा है, प्रमोटर ने अपना होल्डिंग कांस्टेंट रखा है, साथ ही ने FIS ने भी अपना होल्डिंग कांस्टेंट रखा है, और बचा हुआ जो परसेंटेज है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग का वो भी 10% के आसपास हमें कांस्टेंट दिख रहा है, 10.59 से लेके 10.06 तक। तो ये कांस्टेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग, FIS, DIS ने अपने होल्डिंग्स एक साल तक कांस्टेंट रखे, किसी ने भी कोई शेयर्स गिरवी नहीं रखे, किसी ने भी शेयर्स कोई यहाँ पे कह सकते हैं अपने परसेंटेज कम नहीं किए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बाय डिफॉल्ट बढ़ा है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो रेवेन्यू यहाँ पे घटा है। दिसंबर 2019 में करीबन 2700 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2020 में 2900 करोड़ हुआ, लेकिन अगर सितंबर 2020 की बात करें तो तब करीबन 3550 करोड़ के आसपास था, जो इस समय घट के 2925 करोड़ आ गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस शायद रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन कम हुआ है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से बढ़ा है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस अगेन नेट प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगेन नेट प्रॉफिट घटा है यहाँ पे। ईयर ऑन ईयर दिसंबर 2019 की बात करें टू बी स्पेसिफिक तो 265 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के दिसंबर 2020 में 295 करोड़ के आसपास आया है, और अगर सितंबर 2020 की बात करें तो 330 करोड़ के आसपास था, जो घट के यहाँ पे 295 सीआर हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज़ पर रेवेन्यू यहाँ पे प्रॉफिट में हम गिरावट देख रहे हैं। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, पहले करीबन 8200 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के 8900 करोड़ हुआ, और इस समय 9400 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म डेप्ट, जैसे मैंने कहा कंपनी डेप फ्री है, लॉन्ग टर्म डेप्ट कंपनी में कोई भी नहीं है, साथ ही में अगर शॉर्ट टर्म डेप्ट देखें तो शॉर्ट टर्म डेप्ट भी कंपनी पे 1 रुपया कर्जा नहीं है, यानी कंपनी पे ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म कोई भी कर्जा नहीं है। कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो पहले 3600 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के 4800 करोड़ के आसपास आया, और इस समय 5500 करोड़ के आसपास कैश इक्विवेलेंट्स है। तो कैश इक्विवेलेंट्स, रिजर्व कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये चारों जो फैक्टर्स हैं वो भी फुलफिल हो रहे हैं, साथ ही में प्रमोटर, FIS, DIS और पब्लिक शेयर होल्डिंग्स, ये भी सारा फैक्टर फुलफिल हो रहे हैं। तो अगर बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट को हमें 5-स्टार रेटिंग देना चाहिए, लेकिन अगर रिटर्न्स प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी डिफेंसिव रिटर्न है इस पर्टिकुलर स्टॉक का।
और ये जो स्टॉक का नाम है वो सीमेंस लिमिटेड। सीमेंस लिमिटेड कल ही हमने देखा था बेहतरीन रैली आया था, करीबन 45 रुपये का रैली इंट्राडे में दिया था और एंड में वापस अपने लेवल पे ही बंद हुआ जहाँ पे ये ओपन हुआ था स्टॉक। आज के दिन पे देखें तो कॉन्स्टेंटली कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने। 52 वीक लो की बात करें स्टॉक की तो करीबन 990 के आसपास इसका 52 वीक लो है और अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 1960 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। वन डे चार्ट पैटर्न की बात करें, जैसे मैंने कहा कल जैसे ही ये न्यूज़ डिक्लेयर हुआ था कि गवर्नमेंट की तरफ से ये मेगा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, मेगा ऑक्सीजन प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है, इमीडिएटली किसी कंपनी को ये मिल जाएगा और ऐसे कंपनी को देंगे जो इमीडिएटली इसका सप्लाई भी चालू कर सके, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो। ऐसा नहीं कि मेगा कॉन्ट्रैक्ट प्लांट मिलने वाला है तो प्लांट बनेगा उसके बाद, लेकिन ऑलरेडी जिसके पास प्लांट हो, जिसके पास कैपेबिलिटी हो इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन सप्लाई इमीडिएट शुरू करने के लिए, वैसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और इसीलिए सीमेंस नंबर वन आ रहा है इस समय रेस में। इस समय मंडे चार्ट पैटर्न की बात करें तो कॉन्स्टेंटली हमने देखा एक बड़ा स्पाइक आया था जब ये न्यूज़ डिक्लेयर हुआ और इमीडिएटली एंड ऑफ द डे कह सकते हैं उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ था। एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक साल पहले जैसे 990 का इसका बॉटम था, वहाँ से लेके अभी तक इससे 1810 यानी ऑलमोस्ट डबल कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स का पैसा एक साल में। और अगर पाँच साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो पाँच साल पहले करीबन 800 साढ़े 800 के आसपास ये स्टॉक था जो इस समय 1800 के आसपास है, तो पाँच साल का रिटर्न काफ़ी कम है लेकिन एक साल का रिटर्न हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो चुका है जिन इन्वेस्टर्स का। तो फिर से एक बार कहूँगा इस वीडियो को बनाने का एक ही कारण है कि शॉर्ट टर्म में इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइए। अगर आप एक प्रॉपर कह सकते हैं अग्रेसिव इन्वेस्टर है, अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर है तो इस स्टॉक का आप होल्ड कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज़ में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको मेरा वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको कोचिंग के लिए कंसल्टेशन चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि दिन में दो बार कुछ ना कुछ छोटी लर्निंग्स मिले और वीकली ऐसे 7 से 8 बड़े वीडियोस मिले जिससे आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों बेहतर हो सके।